ओके देखो हम चालू करते हैं। सबसे पहले TIR होता क्या है, लाइक व्हाट डू वी मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR समझने के लिए तुम्हें एक बेसिक चीज समझनी पड़ेगी, वो है ये कि जब भी आपकी लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, मतलब हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से लो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में जाती है, तो आपकी लाइट नॉर्मल से दूर हो जाती है। लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। जैसे मान लो कि ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, तो यहां पे नॉर्मल बनाओ। मान लो कि नीचे वाला मीडियम डेंसर है। डेंसर मीडियम का मतलब होता है कि जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और मान लो ऊपर वाला मीडियम आपका रेयर मीडियम है। रेयर मतलब जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है। मान लो नीचे वाला डेंसर मीडियम है, ऊपर वाला रेयर है। तो देखो होता क्या है, लाइट को हिसाब से तो कहा जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, पर लाइट नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना। तो ये वाला कंसेप्ट तुम सब याद रखना कि लाइट जब भी डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, कहां से कहां, डेंसर से रेयर। डेंसर मतलब हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, रेयर मतलब लो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो लाइट नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो ये कंसेप्ट कहां पे काम आएगा, हमें टॉपिक पढ़ेंगे आज, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखो। तो TIR होता क्या है, तो मान लो कि ये आपका सेपरेशन है। मान लो नीचे वाले मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N1 है, ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N2 है। मान लो नीचे वाला आपका डेंसर मीडियम है, और मान लो ऊपर वाला आपका रेयर मीडियम है। मतलब नीचे वाले का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, लाइक N1 इज ग्रेटर देन N2। ठीक है, मान लो कि यहां पे कोई लाइट सोर्स है। मान लो यहां पे क्या है, कोई लाइट का सोर्स है। तो मान लो एक लाइट यहां से यहां पे गई, तो यहां पे नॉर्मल बना। तो देखो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा I1। देखो लाइट नॉर्मल से थोड़ी दूर हो जाएगी, तो मान लो लाइट जा रही है ऐसे, हो गई नॉर्मल से दूर, तो मान लो ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1। अब क्या करो आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा और बढ़ाओ। तो भाई अगर तुम I बढ़ाओगे तो भैया R भी बढ़ेगा, तो लाइट को जहां चाहिए था सामने, पर लाइट देखो नॉर्मल से दूर हो गई। अब एक काम करो आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाओ। मान लो अब हो गया I3, तो आपकी लाइट नॉर्मल से और दूर हो जाएगी। देखो मान लाइट जा रही है ऐसे R3। तो पता है अगर आप और बढ़ाओगे तो एक एंगल ऐसा आएगा जहां आपकी लाइट इस तरीके से रिफ्रैक्ट करेगी, मतलब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90। तो इस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्योंकि पता है अब क्या होगा, अब मान लो कि अगर तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया, तो पता है लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी नहीं, लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। जैसे मान लो ये अगर आई है तो ये भी हो जाएगा आई। तो यहां पे क्या हो रहा है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल मतलब सारी की सारी लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन याद रखना, TIR तभी हो सकता है जब दो केस फॉलो होते हैं। पहला, लाइट को डेंसर से कहां पे जाना चाहिए, रेरर में। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे बढ़ाना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से। क्योंकि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है, तो देखो लाइट जा रही है दूसरे मीडियम में। तो TIR कब हो सकता है, दो केस में, डेंसर से रेरर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो एक बार डायग्राम बना लो अपनी कॉपी में, फिर मैं तुम्हें इसकी थ्योरी लिखवा देता हूँ। लिख लो अपनी कॉपी में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, लिखो अपनी कॉपी में एक बार। और किसी को कोई भी डाउट है तो अनम्यूट करके एक बार मुझसे पूछ सकते हो यार। आप तुम कोई भी डाउट है सर, आपने अनम्यूट। इससे पहले कुछ कराया क्या? नहीं, मैं चालू यहीं किया है। ये देख, ये चालू यहाँ पे किया, बस ये मैंने बताया कि डेंसर से रेयर में बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, और बस ये रहा। ओके सर, एक्चुअली मैं 7 बजे चालू कर देता हूँ यार, मैं रुकता नहीं हूँ। 5-10 मिनट है ना, तुम जुड़ जाया करो सब 7 बजे। नहीं जीनल, रेरर से डेंसर में नहीं होता TIR बेटा। रेरर से डेंसर में तो लाइट नॉर्मल के पास आ जाएगी, वो तो और पक्का जाएगी उधर। डेंसर से रेरर ही ऐसा हो सकता है। तो TIR होने के लिए दो कंडीशन फॉलो होना जरूरी है, कि लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर, और दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल मैं तुम्हें निकालना सिखाऊंगा अभी, उसका डेरिवेशन कराऊंगा अभी तुम्हें। कोई डाउट है तो पूछो यार।
ओके, कोई डाउट नहीं है. तो टी आई आर क्या होता है लिखो अपनी कप में. व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम देन आफ्टर सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉल्ड एस क्रिटिकल एंगल कॉमा लाइट विल टोटली रिफ्लेक्ट बैक इनटू सेम मीडियम. तो एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद लाइट पूरी की पूरी वापस रिफ्लेक्ट होकर अंदर आ जाती है. तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन आफ्टर सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल लाइट विल टोटली रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम. इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? टी आई आर बोलते हैं. लिख लो अपनी कप में, फिर मैं तुम्हें क्रिटिकल एंगल का डेरिवेशन करा दूंगा. लिख लिया सबने? लिखो लिखो जल्दी लिखो यार. तो टी आई आर कब हो सकता है मुझे बताओ? डेंसर से रेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए. देखो आप डेरिवेशन कैसे करेंगे. यहां पे देखो, अगर तुम धीरे लिखते हो तो घबराने की बात नहीं है, मैं तुम्हें पीपीटी भेज दूंगा, लिख लेना इसको. तो अब तुम ध्यान से देखो, सबको स्नेल्स लॉ पता है. जैसे मान लो कि ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, मान लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है N1, और मान लो लाइट ऐसे जा रही है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ रही है N2. तो अपन स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं? N1 साइन आए, मतलब नीचे वाले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू नीचे वाला एंगल इक्वल टू N2 साइन आर, मतलब ऊपर वाले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू ऊपर वाला साइन आर. यही होता है N1 साइन आर इक्वल टू N2 साइन आर, यही होता है. देखो यहाँ पे लगाते हैं इस जगह. तो नीचे वाले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? देखो N1, और नीचे एंगल कितना है? साइन IC क्रिटिकल एंगल. ऊपर वाले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? देखो N2, और ऊपर क्या आ जाएगा? साइन 90 है ना. देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? 90 है, साइन 91 होता है. तो आपका साइन IC कितना आया? N2 अपॉन N1. पर याद रखना, ऊपर रेरर मीडियम का लेना, नीचे डेंसर मीडियम का. लिख लो अपनी कॉपी में. तो साइन IC क्या हो जाएगा तुम्हारा? N2 अपॉन N1. लिख लो अपनी कॉपी में. लिख लो अपनी कॉपी में. तो साइन IC किसके बराबर हो गया? N2 अपॉन N1. अब मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, पहले अपन एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे. पर किसी को TIR के कंसेप्ट में कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो यार. कोई डाउट है TIR में? ओ सर क्लियर है. क्लियर है? तो पहले अपन क्रिटिकल एंगल निकालेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन लिखो, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 दे रखा है, टू एयर उसका 1 दे रखा है, ये एम की जगह आएगा, सॉरी. इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 degrees, कॉमा विल लाइट कम आउटसाइड. तो आपको बताना है क्या लाइट बाहर निकलेगी कि लाइट बाहर नहीं निकलेगी. सोचो, मैं तुम्हें एक मिनट दे रहा हूं, सब लगाओ दिमाग, क्या यहाँ पे लाइट बाहर निकलेगी कि लाइट. करो क्या होगा? देखो सबसे पहले तुम मुझे बताओ क्रिटिकल एंगल क्या होगा. ग्लास नीचे है, एयर ऊपर है, तो आप मुझे बताओ क्रिटिकल एंगल कितना होगा साइन IC. मुझे IC पता करना है कितना होगा, बताओ. देखो लाइट ग्लास से एयर में जा रही है, मतलब डेंसर से रेयर मीडियम, मतलब TIR हो तो सकता है. तो याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था, साइन IC क्या होता है? ऊपर रेयर मीडियम वाला, नीचे डेंसर मीडियम वाला. तो रेनर वाले का 1 है, डेंसर का 2 है,
तो साइन एसी हाफ मतलब क्रिटिकल एंगल कितना हो गया, हो गया 30 डिग्री, कोई डाउट तो नहीं है। और आप मुझे बताओ अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, क्या अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो क्या होता है, टीआईआर होता है और लाइट बाहर नहीं निकलेगी। आया तुम्हें समझ में? क्योंकि आपका क्रिटिकल एंगल कितना है 30, पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, लाइट विल नॉट कम आउटसाइड बिकॉज टीआईआर विल टेक प्लेस। नहीं आया समझ में कि आ गया तुम सबको? लेकर वापस बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखो और किसी को डाउट है तो पूछ लो ताकि मैं एक बार में क्लियर कर देता हूं। देखो नीचे ग्लास है, ऊपर एयर है। नो सर, ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2 है, एयर का 1 है। सबसे पहले अपन एयर का 1 है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम अपॉन डेंसर मीडियम, याद रखना ये फॉर्मूला। तो रेरर का कितना है 1, डेंसर का कितना है 2, तो साइन आईसी हाफ। तो साइन की कौन सी वैल्यू हाफ होती है, कौन से एंगल पे, तो मतलब क्रिटिकल एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। और देख अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो क्या होता है, टीआईआर होता है। तो अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस तो कितना है 60, जो 30 से ज्यादा है कि नहीं, मतलब लाइट का क्या हो जाएगा, टीआईआर, मतलब लाइट जैसी जाएगी वैसी की वैसी वापस अंदर आ जाएगी, मतलब लाइट विल नॉट कम आउटसाइड। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? यस सर, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल, वेवलेंथ एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ डेंसर मीडियम कर देना आप। तो किस किस के बीच का रिलेशन, क्रिटिकल एंगल, वेवलेंथ और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ, तुम सबको ये वाला फॉर्मूला तो पता है कि वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होती है। इसको नहीं पता है अब याद रखना, अगर तुम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ाते हो तो वेवलेंथ क्या हो जाती है, घट जाती है। और आज मुझे बताओ, आज मैंने तुम्हें क्या फॉर्मूला पढ़ाया, साइन आई सी इक्वल टू एन आर अपॉन एन डी, मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर अपॉन रिफ्रेक्टिव डेंसर। तो आप मुझे बताओ क्रिटिकल एंगल भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के, क्योंकि डेंसर मीडियम की बात कर रहा हूं मैं। तो डेंसर मीडियम का अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो आपका क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो तुम ध्यान से देखो, वेवलेंथ भी एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्रिटिकल एंगल भी एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि क्रिटिकल एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वेवलेंथ के है। तो मतलब वी आई बी जी वाई ओ आर, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, तो जब हम वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है, इसका मतलब क्रिटिकल एंगल भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि ब्लू के लिए क्रिटिकल एंगल 2 डिग्री है, तो बताओ लाल के लिए 2 से ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। ध्यान से देखो, वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, तुम्हारे नोट्स चेक करना, सबसे पहली क्लास थी मेरी ऑप्टिक्स की। और क्रिटिकल एंगल भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है, तो भैया एन बढ़ाओगे तो लैम्डा घटेगा, एन बढ़ाओगे तो आईसी घटेगा, इसका मतलब क्रिटिकल एंगल इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा होती है तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा होता है, अगर वेवलेंथ कम होती है तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल कम होता है। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया, लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। कोई डाउट है तो पूछो इसमें। ओके कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़े। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं जो तुम्हारी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। देखो मान लो नीचे वाले मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन वन है, ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन टू है। मान लो नीचे वेवलेंथ लैम्डा वन है, ऊपर वेवलेंथ लैम्डा टू है। जो जिसको नहीं पता यह फॉर्मूला याद रखना, तो एन वन लैम्डा वन किसके बराबर होता है, एन टू लैम्डा टू के बराबर होता है।
है ना, और सेम मान लो नीचे वाले की वेलोसिटी v1 है, ऊपर वाले की वेलोसिटी v2 है, तो याद है मैंने एक और फॉर्मूला लिखवाया था n1 v1 equal to n2 v2, और मान लो कि नीचे वाला मीडियम डेंसर है, ऊपर वाला मीडियम रेयरर है, तो आप मुझे बताओ क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या था, याद है साइन आई सी रेयरर अपॉन डेंसर, तो ये हो जाएगा n2 upon n1 हो जाएगा। तुम तो भाई ये याद रखना रेयरर का ऊपर डेंसर का नीचे, n1 n2 में कंफ्यूज मत करना। तो देखो साइन आई सी क्या हो गया, n2 upon n1 हो गया, तो देखो यहां से अपना n2 upon n1 कितना आ जाएगा, तो n2 upon n1 will be equal to lambda 1 upon lambda 2, सेम यहां से अपना n2 upon n1 कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा v1 upon v2, तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो lambda 1 upon lambda 2 equal to v1 upon v2, ठीक है। तो कई बार न्यूमेरिकल आते हैं इससे कि तुम्हें दोनों मीडियम का लैम्डा दे दिया जाता है और तुम्हें क्रिटिकल एंगल पूछा जाता है, तो घबराने की बात नहीं है, लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो ये स्लाइड कहां काम आएगी तुम्हारे न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। ओके कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़े। ठीक है देखो मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब लिखो अपनी कॉपी में v स्पीड है ना। हाँ v स्पीड है। ओके लैम्डा वेवलेंथ है। ठीक है तो देखो देखो एप्लीकेशंस ऑफ TIR, सबसे पहला एप्लीकेशन लिखो अपनी कॉपी में पोरोप्रिज्म। तो क्या होता है देखो पोरोप्रिज्म, तो प्रिज्म दैट यूटिलाइजेस कंसेप्ट ऑफ TIR to bend light by 90 degree और 180 degree। तो पोरोप्रिज्म क्या करता है, लाइट या ऑब्जेक्ट्स को 90 डिग्री या 180 डिग्री से बेंड कर देता है, और ये क्या कंसेप्ट यूज करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट। देखो कैसे यूज करता है, देखो मैं तुम्हें बताता हूं, एक बार से समझ लो फिर लिख लेना, फिर हो सकेगा तो मैं तुम्हें इसका एक एनिमेशन या फोटो बताऊंगा देखना। तो मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, मान लो एक लाइट यहां से यहां गई तो यहां पर टी आई आर हो रहा है और लाइट रिफ्लेक्ट होकर देखो बाहर निकल गई। मान लो एक लाइट यहां से यहां गई देखो रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल गई, तो ये किसकी इमेज है, बी की बी डैश ए की ए डैश। देखो आपकी इमेज कैसी बनी, देखो ऐसे, तो आपका ऑब्जेक्ट कैसा था ऐसा, पर देखो आपकी इमेज कैसी बनी ए डैश बी डैश, तो देखो आपका कितना बेंडिंग हुआ 90 का, तो ये आपका पोरोप्रिज्म है। ये क्या है आपका पोरोप्रिज्म, ये आपका राइट एंगल प्रिज्म होता है, राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री होता है। सेम अगर आपको मान लो 180 का डेविएशन चाहिए तो आप प्रिज्म को ऐसे रखो इस तरीके से, तो मान लो कि नीचे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है मान लो ए बी, तो ए से लाइट यहां पे गई देखो टकरा के यहां पर टी आई आर हुआ, देखो वापिस टी आई आर हुआ, तो यहां पर आ गई देखो आपकी लाइट, फिर देखो बी से लाइट यहाँ पे गई यहाँ पे आई देखो यहाँ पे आ गई, तो देखो ये आपकी बी की इमेज बी डैश ये डैश, देखो आपकी इमेज ऐसे बनी, देखो आपका ऑब्जेक्ट पड़ा था ऐसे पर उसकी इमेज बनी देखो ऐसे, देखो कितना डेविएशन हुआ 180 डिग्री, तो लिख लो अपनी कॉपी में। तो पोरोप्रिज्म कैसा होता है, राइट एंगल कौन सा है, देखो ये वाला एंगल 90 राइट एंगल और ये साइड इसके बराबर है, तो ये आइसोसेलेस प्रिज्म है, लिख लो अपनी कॉपी में। देखो मैं तुम्हें इसका है ना वो बताता हूँ, तुम लिखो एक बार, मैं तुम्हें इसका एक फोटो बताता हूँ। दिख रहा है तुम सबको ये फोटो,
दिख रहा है? देखो लेजर लाइट जा रही है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, टी आयर हुआ, देखो वापिस यहाँ पे क्या हुआ, टी आयर हुआ, देखो लाइट बाहर निकल गई। आया तुम सबको समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई डाउट है पोरो प्रिज्म में तो पूछो यार। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर सर। क्लियर सर। देख लो अपनी कॉपी में यार। ओके कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखो आप अपनी कॉपी में, शाइनिंग ऑफ डायमंड। देखो यार जो अपना हीरा होता है ना, देखो हीरे को हम इस तरीके से कट करते हैं, मतलब हीरे की जो कटाई होती है वो इस तरीके से की जाती है कि एक बार आपकी लाइट मान लो हीरे के अंदर एंटर कर गई तो वो क्या करती है, मल्टीपल टाइम्स टीआर करती है इसे और फिर हीरे की किसी टिप से बाहर निकल जाती है। तो होता क्या है कि हीरे में जैसे ही लाइट जाती है ना तो उसके अंदर लाइट इकट्ठी हो जाती है और इसलिए हीरा क्या करता है, शाइन करता है ना। तो एक्चुअली है क्या शाइनिंग ऑफ डायमंड, तो लिखो अपनी कप में, दिस टेक प्लेस ड्यू टू मल्टीपल टीआईआर happening inside diamond के अंदर multiple times क्या होता है, TIR होता है। पर ऐसा क्यों, मतलब diamond के अंदर ऐसा क्या है कि यार बार बार TIR, ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि light बाहर निकल जा रही है? Diamond has very high refractive index, diamond का जो refractive index होता है ना भाई वो बहुत ज्यादा होता है, 2.42 एंड क्रिटिकल एंगल क्लोज टू 24.4 डिग्री। और देखा जाए तो ये क्रिटिकल एंगल काफी कम है, तो देखो क्रिटिकल एंगल कम है मतलब लाइट के टीआईआर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि तुम मुझे बताओ कि टीआईआर कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। तो मान लो क्रिटिकल एंगल मान लो 80 डिग्री है तो लाइट का टीआईआर तो तभी होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 80 से ऊपर हो, पर यार ये तो थोड़ा मुश्किल ही है। लेकिन मान लो कि क्रिटिकल एंगल 24.4 है, इसका मतलब तो आराम से टीआईआर हो सकता है। तो डायमंड के अंदर बार बार आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और फिर टिप से, इस टिप से भी निकल सकती है, फिर टिप से क्या होता है लाइट बाहर निकल जाती है, इसलिए आपका डायमंड शाइन करता है क्योंकि उसमें लाइट इकट्ठी होती है बहुत सारी लाइट, फिर उसके टिप से बाहर निकलती है। तो तुमने कभी देखा है डायमंड से स्पार्कल करता है, डायमंड की जो ये टिप्स होती है ना, ये चीज तुमने कभी देखा है एकदम स्पार्कल करती है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ग्लो हो रहा है। तो लाइट निकल कहां से रही है, बाहर टिप से। तो हम इस तरीके से डायमंड की घसाई कटाई करते हैं कि लाइट कहां से बाहर निकले, टिप से, तो आपकी टिप चमकती है, इसको बोलते हैं स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, इसको स्पार्कल भी बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डायमंड के अंदर क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स टीआईआर हो रहा है, क्योंकि डायमंड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है 2.42, क्रिटिकल एंगल काफी कम है, तो आराम से डायमंड के अंदर क्या हो सकता है, टीआईआर हो सकता है। लिख लो अपनी कॉपी में। पूछो सर, बार बार टीआईआर होने से कैसे, मतलब बाहर कैसे आ पाती है? देख बार बार टी आर मतलब देख, जैसे मैं देखो एक वीडियो बताता हूँ, देख एक फोटो देखो बताता हूँ, ठीक है? नहीं सर, बाहर आने के लिए क्रिटिकल एंगल से कम होना पड़ेगा ना। हाँ तो बाहर आने के लिए क्रिटिकल एंगल से कम होना पड़ेगा, तो हम इस तरीके से इसकी कटाई करते हैं। ये देख यहाँ पे, देख यहाँ से, यहाँ पे एक बार टी आर हुआ, यहाँ पे एक बार टी आर हुआ, देख यहाँ से लाइट बाहर निकल गई इस टिप से। तो हम डायमंड को इस तरीके से कट करते हैं कि लाइट टी आई आर करके कहां से बाहर निकले, इन टिप से बाहर निकले। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि टिप से ही बाहर निकले, ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ इसकी कटाई इस तरीके से की जाती है कि कहां से बाहर निकले, टिप से, इसलिए डायमंड स्पार्कल करता है। ठीक, मैं तुझे एक फोटो बताता हूँ स्पार्कल का। नहीं सर, मैं यूं पूछ रही हूँ कि बार बार टी आई आर अंडरगो करने से उसका एंगल रिड्यूस होता है क्या? नहीं, ऐसा थोड़ी होगा, एंगल कैसे रिड्यूस होगा यार,
वो तो पूरा ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां पे कितना होगा। तो दिख रहा है देखो कि जो टिप होती है वो चमकती है, उसकी टिप शाइन करती है। ओ ये तो किसी डायमंड कंपनी का एडवर्टाइजमेंट लगता है, वो भी यही बोल रहे हैं व्हाई डू डायमंड स्पार्कल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऐसा पूछ रहा है वो। ठीक है एनीवे तो समझ में आया, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड और पोरो प्रिज्म, किसी को इन दोनों में डाउट है तो पूछो, वरना मैं तीसरे एप्लीकेशन की तरफ जा रहा हूँ। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप मेरे से। ओके तीसरा एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ऑप्टिकल फाइबर्स। तो सेम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR। ठीक है तो देखो ऑप्टिकल फाइबर कैसे बनते हैं। देखो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, अंदर एक कोर होती है, कोर इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मतलब डेंसर मीडियम हो गया, और इस कोर के ऊपर हम एक लेयर लगाते हैं। इस लेयर को हम बोलते हैं क्लेडिंग, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है, लो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मतलब अंदर वाला डेंसर है, पावर रेयर है। तो मैं जब लाइट को इसके अंदर फेंकता हूं तो डेंसर से रेयर में लाइट के प्रति TIR हो सकता है। तो हम इस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंट सेट करते हैं कि आपका आई जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो लाइट इस तरीके से अंदर ट्रैवल करती रहती है और आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं इस तरीके से। तो तुम्हें समझ में आया कि ऑप्टिकल फाइबर कैसे TIR को यूज करते हैं कि नहीं समझ में आया। तो सिंस लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मतलब कोर टू रेरर मतलब क्लैडिंग CALADING, सो इट विल सफर TIR इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है लिख लो अपनी कॉपी में। लिखना एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। तो क्या एडवांटेजेस है, सबसे पहला एडवांटेजेस है हाईली एफिशिएंट, दूसरा है लो एनर्जी लॉस, तीसरा है इकोनॉमिकल फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस। तो हाईली एफिशिएंट है मतलब इनकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, लाइट को कम एब्जॉर्ब करते हैं, लो एनर्जी लॉस। देखो तुम ध्यान से सुनना, अगर तुम अगर मान लो 1 किलोमीटर लंबा ऑप्टिकल फाइबर है, कितना 1 किलोमीटर लंबा, तो अगर तुम 100 जूल की एनर्जी इनपुट करते हो ना तो तुम्हें 95 जूल वापस बाहर मिलता है, मतलब 1 किलोमीटर में खाली कितना कम हुआ, 5% कम हुआ, जो बहुत अच्छी एफिशिएंसी है। तो काफी एफिशिएंट होते हैं, लो एनर्जी लॉस होता है, इकोनॉमिकल फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेज, छोटी चीज महंगे पड़ेंगे पर लॉन्गर डिस्टेंस तो इकोनॉमिकल, जैसे जियो फाइबर तो आपका क्या ऑप्टिकल फाइबर ही है ना। लिख लो अपनी कॉपी में। तो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR, तो अंदर कोर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, बाहर क्लैडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है, मतलब अंदर डेंसर है और यहाँ का रेयर मीडियम है, हाईली एफिशिएंट लो एनर्जी लॉस इकोनॉमिकल फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस। लिख लो अपनी कॉपी में। और किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, TIR के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ठीक है अब इसके एप्लीकेशन देखना, मतलब एप्लीकेशन का भी एप्लीकेशन है। ठीक है एक लाइन लिख लेना लास्ट में, ये लाइन लिख लेना, मेड फ्रॉम क्वार्ट्ज टू इंक्रीज एफिशिएंसी। तो आजकल जो ऑप्टिकल फाइबर्स है उनमें हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी यूज करते हैं, ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल और ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो एनर्जी को कम एब्जॉर्ब करते हैं, तो मतलब ये एफिशिएंसी और बढ़ा देंगे। ठीक है अब लिखो अपनी कॉपी में एप्लीकेशंस ऑफ TIR।
तो टीआई क्या, सॉरी एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स. सबसे पहली एप्लीकेशन तो है टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल सिग्नल्स. दूसरा है इन डेकोरेटिव लैंप्स. तुमने कभी ऑप्टिकल फाइबर के लैंप देखे नहीं होंगे शायद, तुमने देखे होंगे पर तुम्हें पता नहीं उसमें ऑप्टिकल फाइबर है. देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे होते हैं, एक बार लिख लो दोनों अपनी कॉपी में. ठीक है तुम्हें, देखो देखे तुम लोगों ने इसे लैंप कभी, तो देखो ये ऑप्टिकल फाइबर है. देखो है क्या कि यहाँ पे देखो नीचे लाइट का सोर्स है, यहाँ पे तो लाइट गई, यहाँ पे गई टीआर होते 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 यहाँ पहुंची. देखो इसकी टिप चमक रही है, इसकी जो टिप है देखो शाइन कर रही है, दिख रही देखो तुम सबको टिप. तो ये सब क्या लगा रखा है, देखो ऑप्टिकल फाइबर लगा रखे हैं. आया तुम्हें समझ में, कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? तीसरा लिखो एप्लीकेशन इन मेडिकल डायग्नोसिस फॉर एंडोस्कोपी टू व्यू इंटरनल ऑर्गन्स. तो एंडोस्कोपी में भी काम आता है टीआईआर या ऑप्टिकल फाइबर, ताकि बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को अगर आपको व्यू करना है तो उसके लिए भी ऑप्टिकल फाइबर्स की हेल्प ले सकते हो. टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल सिग्नल्स इन डेकोरेटिव लैंप, ये देखो ये रहा लैंप, इन मेडिकल डायग्नोसिस. ठीक है अब बस टीआईआर का लास्ट टॉपिक और बाकी हुआ मिराज, फिर आपका टीआईआर खत्म हो जाएगा, है ना. तो नेक्स्ट लास्ट एप्लीकेशन देखो अपनी कॉपी में टीआईआर का, वो है मिराज. मिराज अगर तुम्हें नहीं पता है तो इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन ड्यू टू टीआईआर, ऑप्टिकल इल्यूजन ड्यू टू टीआईआर. तुम लोगों को पता है देखिए गर्मियों में क्या होता है, कई बार अपने को रोड पे दूर पानी नजर आता है, पता है तुम्हें गर्मी के टाइम पे. देखो मैं तुम्हें एक फोटो दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाना. ऐसा होता है तुम्हारे साथ कभी? देखो तुम्हें ऐसे दूर पानी नजर आता है कभी कभी, तो ये वहां पे पानी होता नहीं है, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है. तो देखो मिराज क्यों होता है, देखो तो मान लो कि नीचे वाला मीडियम बन जाएगा ना, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये कोई हॉट सरफेस है, तो इसके ऊपर की जो एयर है वो गर्म हो जाएगी, हॉट एयर, और गर्म हवा थोड़ी पतली होती है, मतलब उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है. थोड़ा ऊपर जाओगे तो ऊपर वाली जो हवा है वो ठंडी है इसके मुकाबले, तो मान लो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, मतलब ये तो आ गया डेंसर और ये क्या हो गया आपका रेयर मीडियम. अब मान लो कि यहाँ पे सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मान लो कि यहाँ पे सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इस जगह, तो होगा क्या, यहां से लाइट जाएगी ऐसे, और देखो ऊपर वाला डेंसर है नीचे वाला रेयर है, तो हो सकता है कि यहाँ पे टीआईआर हो जाए. और मान लो कि यहाँ पे तुम खड़े हो, मान लो कि यहाँ पे कौन खड़ा है, यहाँ पे मान लो तुम खड़े हो, तो तुम्हें क्या लगेगा, तुम्हें ये लगेगा कि यार ये लाइट तो कहां से आ रही है, तुम्हें क्या लगेगा कि यार ये लाइट तो कहां से आ रही, नीचे से आ रही, तो तुम्हें ये ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा, इस तरफ. तो बेसिकली होता क्या है कि जो हवा होती है ना, जो एयर होती है गर्मियों में, अपने को उसकी इमेज कहां दिख जाती है, लहराते हुए जमीन के अंदर. तो ये मिराज है. तो मिराज में बेसिकली होता क्या है कि नीचे वाला सरफेस हॉट है तो ये हॉट एयर है,
मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है, रेयर मीडियम. थोड़ा ऊपर जाओगे तो कोल्ड एयर है, मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो डेंसर मीडियम. तो लाइट जब डेंसर से रेयर आती है तो टी आई आर हो सकता है. तो मान लो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टी आई आर हो रहा है, तो आपको क्या लगेगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है, कहाँ है, यहाँ पे है ना. तो ये जो इन्वर्टेड इमेज बनती है इसको बोलते हैं हम मिराज. ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है. ये क्यों होता है, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो ये आपका मिराज है, ऑप्टिकल इल्यूजन, टी आई आर का लास्ट एप्लीकेशन. तो मिराज happens generally in summers when the air near hot surface has low refractive index than air above. This causes TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो ये आपका मिराज है. तो ये आपका पूरा टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर्स, सॉरी ऑप्टिकल फाइबर का टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो कैसे होता है, कब होता है, क्या कंडीशन है, क्रिटिकल एंगल, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, इसके चार बड़े एप्लीकेशन क्या है, डायमंड, ऑप्टिकल फाइबर, मिराज और पोरोप्रिज्म. पोरोप्रिज्म का क्या रोल तुम्हें समझ में आया, मिराज तो चलो इसका कोई ज्यादा रोल है नहीं, ऑप्टिकल फाइबर क्या काम आता है तुम्हें समझ में आया, और डायमंड, डायमंड क्यों स्पार्कल करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल टी आई आर, और लाइट कहाँ से बाहर निकलती है, टिप से. ठीक है, डायमंड की घिसाई इस तरीके से की जाती है कि लाइट कहाँ से बाहर निकले, टिप से बाहर निकले. डायमंड में मल्टीपल टी आई आर क्यों होता है, क्योंकि उसका क्रिटिकल एंगल कम होता है. उसका क्रिटिकल एंगल कम क्यों होता है, क्योंकि उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है. कितना होता है, 2.4 के आसपास होता है. आया समझ में? तो ये तुम्हारा पूरा टी आई आर टॉपिक है. किसी को इसमें कुछ पूछना है तो अब तुम पूछ सकते हो यार. एक क्वेश्चन है तुम सबके लिए, इस क्लास के खत्म होने के बाद ये क्वेश्चन तुम आंसर करना, कि तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. तो मान लो कि ये कोई कुआ है 10 सेंटीमीटर गहरा, और मान लो कि इस कुएं के अंदर भरा हुआ है पानी. क्या भरा हुआ है, मान लो ये कुआ है, इस कुएं के अंदर भरा हुआ है पानी. मान लो कि इस पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 2, मान लो बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1, और मान लो नीचे ही नीचे यहाँ पे बीचों बीच एक टॉर्च लगी हुई है. क्या लगी हुई है, यहाँ पे टॉर्च. तो आपको बताना है कि कितने एरिया से लाइट बाहर निकल सकती है. तो फाइंड एरिया ऑन द टॉप सरफेस ऑफ वेल फ्रॉम वेयर लाइट कैन कम आउटसाइड. क्योंकि तुम्हें भी पता है कि मान लो कि कोई लाइट यहां से यहां गई, मान लो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मान लो यहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो लाइट बाहर निकलेगी नहीं, वापस अंदर आ जाएगी. तो तुम्हें बताना है कि कितने एरिया से लाइट बाहर निकल सकती है. फाइंड एरिया ऑन द टॉप सरफेस ऑफ वेल फ्रॉम वेयर लाइट कैन कम आउटसाइड. ये क्वेश्चन तुम ट्राई करना, नहीं आए तो मैं तुम्हें सॉल्व कराऊंगा, या फिर मैं तुम्हें सॉल्व करा दूंगा ये क्वेश्चन. ठीक है, एक बार ट्राई जरूर करना. ओके यार.